नमस्कार बच्चों, मैं समीर सार सर, मैथ भाई सार सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम औसत का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा बनने जा रहा है। यदि आपको लास्ट में बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत जो आयु है वो 14 वर्ष है। एक कक्षा में 24 छात्र हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक अध्यापक के आने से कक्षा की औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एक अध्यापक के आने से कक्षा की औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो 24 छात्र थे हमारे पास, एक टीचर और आ गया, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास 25, यानी अब हो गए 25। पहले 24 छात्र थे, एक और बढ़ गया यानी टीचर आने से अब कितने हो गए 25। अब 25 कुल हो गए हमारे पास। अब इनका जो औसत है यानी एक टीचर के आने से औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले 14 वर्ष था, अब औसत में एक बढ़ गया तो अब औसत हो जाएगा कितना वर्ष, 15 वर्ष हो जाएगा। पहले औसत था 14 वर्ष, अध्यापक के आने से एक औसत में एक साल और बढ़ जाती है तो 14 में एक और बढ़ा दो कितना हो गया 15। अब बच्चों ध्यान से देखना, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई फर्क नहीं लगाना, मैं आपको ऐसा लॉजिक बता रहा हूं, एक सेकंड में इसका आंसर आएगा। बस एक बार बेसिक बातों पे ध्यान दो, बच्चे कुल कितने थे 24, इनका औसत कितना था 14 वर्ष, एक टीचर आ गया तो 24 से हमारे पास कितने हो चुके हैं 25। अब टीचर के आने से औसत में एक बढ़ जाता है, औसत आयु एक बढ़ जाती है तो 14 से कितनी हो जाएगी 15। अब बतानी थी आपको, जो टीचर आता है अध्यापक है उसकी आयु ज्ञात करनी है, टीचर की आयु ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बस इन दोनों को जोड़ दो, क्रॉस ऐड कर दो, क्रॉस यानी 24 है इसमें 15 जोड़ दो, यानी 24 में कितना जोड़ोगे आप 15 जोड़ो, यानी 24 + 15 दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 39, कितना जाएगा 39। यही आयु है किसकी, टीचर की। कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना, एक बार रिपीट करता हूं, 24 बच्चे थे, औसत कितना था 14 वर्ष था, एक टीचर आ गया, हमारे पास टोटल हो गए 25 हो गए, आने से औसत में एक बढ़ गया, एक वर्ष बढ़ गया था तो 14 से कितना हो गया 15 हो गया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जब भी एक आने से औसत में एक बढ़ गया, ध्यान सुनना, जब एक कक्षा में एक छात्र या एक अध्यापक के बढ़ने से औसत में एक बढ़ता है तो आपको न गुणा करना, कुछ नहीं करना, बस आपका सीधा आ जाएगा आंसर, दोनों को जोड़ दो, बस आंसर क्लियर है। आगे से क्वेश्चन में ठीक है, क्या करना है, बस क्रॉस जोड़ना है तो आंसर आ जाएगा। तो 24 और 15 कितने होंगे 39, यही आपका आंसर है। ओके, आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत है वो 18 वर्ष है। 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत है वो 18 वर्ष है। एक अध्यापक के और आ जाने से, एक अध्यापक के आने से अब 15 बच्चे कक्षा में, एक अध्यापक आ गया तो टोटल कितने हो गए 16। एक अध्यापक के आने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन में दो तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, पहला तरीका कॉपी पेन का, दूसरा तरीका बिना कॉपी पेन का। तो देखते हैं पहला कॉपी पेन से कैसे करेंगे, इसमें भी ज्यादा टाइम लगने वाला, अब देखते हैं। अब आपको एक चीज यहां पर फिक्स दिमाग में करनी है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। पहला पॉइंट है औसत हमेशा सबके पास समान रूप से होता है। दूसरा पॉइंट है जितने भी है उनके पास औसत वाली अमाउंट सबके पास ऑलरेडी होती है। मान लो 18 वर्ष औसत है तो इन 15 के पास सबके पास 18 आयु है। ओके, और तीसरा पॉइंट है जो आएगा वो औसत लेके आएगा, जाएगा वो औसत लेके जाएगा क्लास में से। ठीक है, अब करते हैं, अभी लास्ट पॉइंट हमें बोला कि जो क्लास में आएगा वो औसत को लेके आएगा या जाएगा वो उसको लेके जाएगा। क्लियर है, यहां से देखो, इस एक टीचर के आने से कक्षा की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो चुकी है, कक्षा की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। तो सोच के देखो आप,
ऑलरेडी सबके पास कितना है 18 है, कितना है 18 है। अब वो टीचर आएगा वो 18 तो लेकर ही आएगा क्योंकि आने से वर्दी और ये इसका मतलब 18 तो लेके आया है। ओके 18 लेके आया है। अब करना क्या आपको, सब में उसके आने से 2 वर्ष की वृद्धि होगी। ये पॉइंट ध्यान से सभी अच्छे देखना, सब में वृद्धि पूरी क्लास की औसत में 2 की वृद्धि होगी। तो पूरी क्लास में तो कितने हैं 16 है। अब क्या करना आपको, एक में औसत मतलब है एक में 2 की वृद्धि होती है तो 16 में वृद्धि होगी कितनी, 16 गुना में 2 कितनी 16 दूनी 32। ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि औसत में वृद्धि मतलब एक में वृद्धि, एक के पास 2 साल की वृद्धि तो 16 के पास कितनी वृद्धि 16 दुनी 32, 32 साल की वृद्धि होगी। ओके 18 वो लेके आया था तो टोटल आयु कितनी थी 18, इसके पास औसत था प्लस 32 वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा लेके आया। अभी एक्स्ट्रा कितना लेके आया 32 जोड़ दो 10 4 और 1 5, तो टीचर की आयु कितनी थी 50 वर्ष, कितने साल का था अभी वो 50 साल का। आगे बच्चों सुन रहे, अभी देखते हैं इसके डायरेक्ट ट्रिक, इसको कैसे करेंगे बिना कॉपी पेन के। मैं कॉपी पेन एक बार इसको मार्कर बंद करता हूं। अब जो वैसे मैं बताता हूं आप वैसे मेरी बातों पर गौर करना। सबसे पहले आप ये पॉइंट फिक्स करो, क्लास में जो आएगा वो उस लेके आएगा, जाएगा उस लेके जाएगा। अब सबसे पहले क्लास का औसत है कितना 18, तो सबके पास मैं एक इसको रुपए में चेंज करता हूं कि 15 बच्चों के पास औसत रुपए थे 18 18 रुपए, एक टीचर आने से सबके पास औसत में 2 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ओके अब इसको रुपए में करके देखते हैं, तो सबके पास कितने कितने रुपए थे 18 18 पूरी क्लास में, औसत मतलब सबके पास, तो सबके पास 18 18 रुपए थे। तो टीचर आएगा उसको 18 तो लेके आने हैं, तो सपोज जो टीचर की जेब में ऑलरेडी 18 रुपए तो थे, अब उसके आने से सबके पास 2 2 रुपए बढ़ जाते हैं, औसत मतलब सब में बढ़ गए। अब सब है कितने हमारे पास 16, तो एक के पास 2 रुपए बढ़े तो 16 के पास कितने बढ़ गए 16 2 32 बढ़ गए। ये बढ़े कैसे, क्योंकि बाहर से टीचर आया था, ये फालतू अमाउंट कौन लेके आ रहा है, टीचर लेके आ रहा है। तो 18 तो अपने जेब में डाल के लाया क्योंकि औसत था, क्योंकि ये गेट पास है, आएगा इस औसत आ सकता है, जाएगा तो औसत जा सकता है, तो 18 रुपए तो ऑलरेडी थे। अब बड़ी अमाउंट कितनी है, एक के पास 2 बढ़े तो 16 के पास कितने बढ़ गए 16 2 32, यानी बड़ी अमाउंट प्लस औसत लेके आया 32 प्लस 18 कितने लेके आया वो 50। तो ये था बच्चों आंसर। ओके आप वैसे भी बिना कोई पेन के कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, अब की बार सेम क्वेश्चन है, बिना कॉपी पेन करना, सब बच्चे माइंड से सोचे करेंगे इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे ही। एक क्लास में 10 छात्रों का औसत है 15 रुपए, यानी एक कक्षा में 10 छात्र है, सबके पास औसत 15 रुपए है। हम इसको यहां पर रुपए कर देते हैं, लोग थोड़ा डाउट नहीं रहेगा। एक टीचर के आने से या कोई एक नए छात्र के आने से, अब नया छात्र या नया टीचर आएगा तो 10 पहले है कक्षा में, कुल कितने हो जाएंगे 11, 10 से एक नया आने से 11 हो गए कुल। तो पूरी कक्षा की औसत आयु में 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है, कितने रुपए की, पूरी जो कक्षा उसके औसत में 3 रुपए की वृद्धि होती है। तो बताओ जो नया आया है, जो टीचर आया है, उसके पास कितने रुपए हैं, यानी आने वाले के पास कितने रुपए हैं। तो सिंपल से सोच के देखो, जो औसत होगा वो आने वाला लेके आएगा, तो औसत है कितना 15, तो 15 तो लेके आया है, आप इसको लिख लो बिल्कुल 15 रुपए वो लेके आया है, क्लियर है इतना। तो एंट्री तभी होगी जब उसके पास औसत होगा, तो 15 रुपए लेके आया। अब उसके आने से पूरी क्लास में 3 रुपए की वृद्धि होगी, उसके आने से हुई, यानी एक्स्ट्रा रुपए उनके बढ़े कहां से, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है, जो टीचर आ रहा है, वही एक्स्ट्रा रुपए लेके आ रहा है। अब आपको यही और पता करना कि एक्स्ट्रा रुपए कितने लेके आया, बस एक में कितने की वृद्धि हुई 3 की, एक में कितने की 3 की, तो कुल क्लास में 11, एक में वृद्धि 3 की, तो 11 में कितने की 33 की, 33 इसमें प्लस कर दो 33 और 15 कितने हो गए 48, तो जो आया था उसके पास कितने रुपए थे 48 रुपए थे। आगे सुन सबको, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब की बार क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक के आने से वृद्धि हो रही थी, अब की बार एक के जाने से कमी। ओके ये देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक कक्षा में 10 छात्र हैं, उनका औसत है 40 रुपए, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत कितना है 40 रुपए, एक विद्यार्थी या एक छात्र के चले जाने के बाद कितने बचेंगे 10 से एक चल गया कितने बच गए 9, तो कक्षा की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होगी, कक्षा की औसत आयु में या औसत रुपए में 2 वर्ष की क्या होगी कमी। तो बताना है जाने वाले के पास कितने रुपए थे
यानी गया है वो कितने रुपए लेके गया ये बताना आपको, ठीक है। देखते हैं, इसको भी बड़ा आराम से कर सकते हैं, माइंड लीप कर सकते हैं। एक बात दिमाग में सेट करो अपने, जो आएगा वो उस लेके आएगा, जाएगा वो उस लेके जाएगा। तो कितने रुपए लेके जा सकता था ये? 40, इतना श्योर है, क्योंकि औसत हमेशा जेब के अंदर होता है। क्लियर है बात? 40 वो लेके जा सकता था, लेकिन उसके जाने से कमी कितनी होगी पूरी क्लास में? 2 रुपए की कमी होगी। अब कमी कैसे हुई, सबके पास कमी कैसे हुई? दो केस बन सकते हैं, या तो जाने वाला चोर होगा, मतलब जाते समय सबके निकाल ले गया होगा, ठीक है। तो कैसे देखते हैं कमी कैसे हुई, कि वो लेके जा सकता था ना 40 उसकी जेब में थे, बाकी 9 छात्र बच गए, सबके पास दो दो की कमी होगी, वो मतलब सब में। तो एक में कमी हुई कितने की? 2 की। तो 9 में कमी कितने की होगी? 9 × 2 = 18 की कमी। यानी कमी कैसे हुई, इनसे जाते हुए इनके निकाल ले गए, 40 अपने ले गया और प्लस 18 क्या ले गया, इन 9 छात्र बच गए इनके ले गया, 40 + 18 यानी जाते समय कितना ले गया वो? 58 रुपए लेके जा चुका वो। ओके, आया सब क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, 5 नंबर है, इनका एवरेज है 18, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। इनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो हमारे पास टोटल कितने, 5 में से एक निकाल दिया, टोटल नंबर कितने बच गए? 4। अब 4 नंबर का एवरेज हो जाता है कितना? 16। क्वेश्चन है समझ में, यानी 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 18, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो औसत रह जाता है कितना? 16। तो निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या बतानी आपको, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, देखते हैं इसको भी सेकंडों में करते हैं कैसे। सबसे पहले आप एक चीज, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताई थी कि जो आएगा या जाएगा औसत लेके जाएगा और औसत लेके आएगा, तो कितना लेके जा सकती थी ये संख्या? ये 18 लेके जा सकती थी, 18, क्योंकि ये औसत के पास होता है। तो जो जाएगी वो कितना लेके जाएगी? 18। ये मैंने कहां से लिखा है? औसत से, क्योंकि औसत जो लेके आएगा वो औसत लेके आएगा, जाएगा वो औसत लेके जाएगा। तो ये संख्या बाहर गई है तो कितना लेके जा सकती थी? ये औसत यानी 18 लेके जा सकती थी। क्लियर है? अब इसके जाने के बाद औसत कितना रह गया? 16, यानी 18 था 16 रह गया, कमी आ गई, कितने कमी आ गई? 2 की। औसत में 2 की कमी आ गई, मतलब एक के पास 2 रुपए कम हो गए, एक के पास 2 कम, तो 4 के पास कितने कम? 4 × 2 = 8 कम। आया समझ में? देखो ध्यान से, 5 संख्या थी औसत 18, एक संख्या बाहर निकाल दी तो अब औसत रह गया 16। क्लियर है? तो हमारे पास जो नंबर जाएगा वो कितना लेके जा सकता था? 18। क्लियर है? अब यहां से आप एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, कि अगर औसत कम हो रहा है तो वो ज्यादा लेगा, सही बात है, क्या लेगा? ज्यादा। अगर औसत बढ़ रहा है तो कम लेके जाएगा। अगर 18 से एक ऑप्शन, अगर चारों में से एक ही ज्यादा है, वही आंसर आपका टिक कर सकते हो डायरेक्ट। दोबारा सुना मेरी बात, अगर इस प्रकार के प्रश्न में जाने से औसत में कमी हो रही है तो जाने वाला औसत, जाने वाला औसत से ज्यादा लेके जाएगा। अगर चारों में से एक ही ऑप्शन 18 से ज्यादा है तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखते हैं, तो कितना लेके जा सकता था? 18। अब 2 की कमी होगी, 18 से 16 यानी 2 की कमी होगी, एक में कमी कितने की? 2 की। तो 4 में कमी, 4 × 2 = 8 की, 8 इनके पास से ले गया, 18 अपना ले गया, 18 × 8 = 26। तो ये जाने वाली संख्या थी कितनी? 26। जाने वाली संख्या थी 26 थी। आगे बच्चों समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 45 किलोग्राम का एक व्यक्ति, दोबारा सुनो बच्चों, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 45 किलोग्राम का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है, 45 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह से बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आता है, ये उसके स्थान पर एक नया आ गया, तो समूह में कितने रहे? 8 में से एक गया था, एक वापस आ गया, अभी भी संख्या कितनी है? 8 की 8, यानी संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोबारा सुनो प्रश्न को, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से एक व्यक्ति बाहर चला जाता है जिसका वजन होता है 45 किलोग्राम, ओके। अब इसके स्थान पर एक नया और आ जाता है, तो एक गया था एक आ गया, संख्या कितनी रही? 8 की 8 रही, और उसके आने से औसत में, उसके आने से औसत था जो पहले जो भी औसत था उसमें 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी 1.5 किलोग्राम अधिक बढ़ जाता है, कितना? औसत
जो औस था उसमें, तो बताना ये है नए व्यक्ति का भार कितना है, जो आया है नया उसका भार कितना है। तो पहला पॉइंट ये फिक्स करो दिमाग में कि संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, आठ के आठ व्यक्ति अब तक। तो देखते हैं एक सेकंड में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने अभी बताया था अगर ये 45 किलोग्राम का बार गया है और 45 किलोग्राम का ही वापस आ जाता तो औसत में कोई भी बदलाव नहीं होता, औसत में कोई भी बदलाव नहीं होता क्योंकि 45 गया था 45 वापस आ गया तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब औसत बढ़ रहा है, डेढ़ किलोग्राम औसत में वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, मतलब औसत बढ़ रहा है तो ये 45 से तो फालतू का वापस आया ग्रुप में। एक कॉमन सेंस यूज करो अपना यहां से कि भाई 45 का आ जाता तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता, अब औसत बढ़ा है तो इस 45 से तो अधिक का वापस आया है। अगर एक ही ऑप्शन या 45 से अधिक है तो उसको आप चूज कर सकते हो। ओके अब देखते हैं आंसर कैसे आएगा। तो अब सोचो दिमाग में डेढ़ किलोग्राम बढ़ गया इसका मतलब 45 किलोग्राम से अधिक का है, तो ये एक बात श्योर है वो 45 किलोग्राम तो लेकर ही आया है तभी तो बढ़ेगा, तो 45 तो लेके आया है और एक में कितना बढ़ा है औसत, मतलब मैंने सुना था औसत मतलब प्रत्येक के पास, तो औसत में कितना बढ़ गया डेढ़ किलो यानी 1.5 किलोग्राम। यदि एक में बढ़ा डेढ़ किलो तो आठ में कितना बढ़ जाए, गुणा कर दो एक में 1.5 तो आठ में 15 आठ 120 एक के बाद पॉइंट लगा दो बढ़ जाएगी यानी 12 किलोग्राम की वृद्धि होगी, 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए और 45 तो पहले शोर था क्योंकि जो गया था 45 का इतना तो लेके आया तभी तो बढ़ेगा यानी 45 तो उसके बराबर ले आया और 12 ये फालतू ले आया तो नया आने वाला का वजन कितना जाएगा 45 प्लस में 12 आंसर आ जाएगा 57। कितने का आया ये 57 साल का वापस आया, 45 का गया था वापस कितने का आया 57 साल का। ओके बच्चों आया सर में एक बार रिटेक लेते हैं इसका, आठ व्यक्ति थे इसमें से एक 45 साल का ग्रुप से बाहर चल गया उसके स्थान पर एक वापस आ गया तो आठ के आठ रहे, आने से औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी, औसत मतलब एक में यदि एक में डेढ़ किलो बढ़ा तो आठ में कितना बढ़ गया 15 8 120 एक के बाद पॉइंट बढ़ा तो 12 किलो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 12। ये 12 किलो बढ़ा हुआ कौन लेके आया, जो नया है वो लेके आया यानी 45 तो गया था वो ले आया प्लस 12 फालतू ले आया, 45 और 12 कितना लेके आया वापस 57 लेके आया है। ठीक है देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक ग्रुप में 25 संख्याएं है उनमें औसत कितना है 18, एक ग्रुप में 25 संख्या है सभी का औसत कितना है 18, या इसको मैं ध्यान से पढ़ता हूं 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 संख्या औसत कितना है 18 है, इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 12 संख्या औसत कितना है 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है 17 है, तो आपको बताना है 13वां नंबर क्या है। क्वेश्चन आप सबने देख लिया ध्यान से, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि एक समूह है या पहली 25 संख्याएं हैं, टोटल एक ग्रुप में 25 संख्याएं हैं, इन सभी का औसत है 18, कुल संख्याएं 25 है एक पूरे समूह में उनका औसत कितना है 18, इस समूह में से जो पहली जो फर्स्ट 12 नंबर है पहली 12 संख्याएं हैं उनका औसत है 14 और जो आखिरी यानी कि जो लास्ट है आखिरी की 12 संख्याएं हैं उनका औसत 17, तो आपको बताना 13वां नंबर ही, 13वां कैसे आया क्योंकि 25 में से आप 12 इधर छोड़ दो और 12 इधर छोड़ दो 12 12 24 एक नंबर बचेगा, क्या बचेगा वो बीच में 13वां, तो टोटल 25 नंबर हमारे पास, 25 में से 12 इधर पहले और 12 इधर लास्ट के 12 12 24 एक नंबर बचेगा कौन सा 13वां, तो वही 13वां नंबर में निकालना है। तो आज बच्चों मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा विद इन फ्यू सेकंड इसका आंसर निकालोगे, लेकिन मोस्टली बच्चे कैसे करते हैं इसका लंबा तरीका होता है एक बार आपको कि बहुत ज्यादा 80% बच्चे इसको पहले क्या करेंगे कुल जोड़ निकालने का यानी 25 नंबर है इन सब का टोटल कितना निकालेंगे 25 गुणा में 18 यानी यहां से कुल क्या निकालेंगे टोटल, तो गुणा कितनी जाएगी इसकी 18 5 90 5 36 36 और 5 सॉरी 36 और 9 36 और 9 45। ठीक है आगे नेक्स्ट देखते हैं, पहली जो इनमें से 12 है पहली कितनी है
12 है, उनका औसत 14 है, तो इन सभी 12 नंबर का जो टोटल होगा कितना होगा, ऐसे करते हैं मोस्ट के बच्चे, बीच में मत छोड़ना मत, मैं लास्ट में इसकी ऐसी ट्रिक बताऊं आप सेकंड में इसका सॉल्यूशन कर लोगे। तो एक बार मैं बताता हूं मोस्ट के बच्चे किस प्रकार से परेशान होते हैं, वो तरीका देखो। तो गुणा करोगे इसकी 12 चौके 48, असल 4 12 कम 12 और 4 16, फिर इसी प्रकार से इनका टोटल निकालते हैं 12 नंबर का आखिरी के जो 12 है इनका टोटल 17 गुणा में 12, तो 12 7 84, असल 8 12 कम 12 और 8 20। यानी क्या करते हैं बच्चे, इतनी ज्यादा गुणा करते हैं, छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या हो तो गुणा करने में टाइम खराब हो जाएगा। वैसे देख रहे हो पर सॉल्यूशन क्या आएगा, अब 12 12 का जोड़ करते हैं 8 4 12 असल 1 6 1 7 और 2 1 3 372। अब ये 25 का जोड़ है, ये 24 का जोड़ है, और 25 के जोड़ में से 24 का जोड़ घटाते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी बचेगी, यहां बच गया कितना 8, यहां बच गया कितना 7 4, तो 14 में से 7 के 7, तो संख्या कितनी बच गई 17। यानी इस प्रकार से बच्चे निकालते हैं परेशान होके, और जो देख रहे हैं उनमें भी 80% बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब मैं बताता हूं इसकी ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी, आप सेकंड होम बगैर मल्टीप्लाई के कैसे करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं अच्छे से ताकि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान तरीका है, एक नंबर की ट्रिक है, ध्यान से देखना समझना सारे बच्चे, और इतनी बड़ी गुणा के जो झंझट है उससे आप बच जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक चीज मेरी आप ध्यान से सुनो, मैंने बताया था जो औसत होता है वो सबके पास क्या होता है, समान रूप से होता है। तो औसत सबका है कितना, सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 18 क्या है सबके पास होना चाहिए, ये 18 किसके पास होना चाहिए, पूरे ग्रुप पूरे समूह के पास 18 होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, तो इनमें से जो पहले 12 है उनके पास भी तो 18 होना चाहिए था, सबके पास 18 है तो इन जो पहले 12 इनके पास भी तो औसत होना चाहिए, क्योंकि ये 12 भी तो इसी समूह में से है, ओके, तो इनके पास होना चाहिए था 18, लेकिन है कितना 14, तो कितने की कमी आ गई एक में 4 की, औसत मतलब औसत हो गया कम कितना 4, और औसत मतलब एक में कमी, यदि एक में कमी कितने की है 4 की, तो 12 में कमी कितनी हो जाएगी, एक में कमी 4 की तो 12 में कमी 12 चौके 48, यानी 48 की कमी होगी, क्लियर है। इधर से जो लास्ट के 12 है इनके पास भी नंबर कितना होना चाहिए था 18, लेकिन है कितना 17, इसमें भी कमी आ गई कितने की एक की, यदि एक में एक की कमी तो 12 में कितनी कमी 12 की कमी, यानी एक में औसत होना चाहिए 18 लेकिन है कितना 17, तो कम है एक, यानी औसत में एक की कमी है, औसत है तो सब में कमी है, औसत में एक की कमी तो सब में, सब कितने हैं 12, यदि एक में एक की कमी तो 12 में 12 की कमी, आगे समझे। और ये जो खुद 13वां नंबर है इसके पास भी तो कितना होना चाहिए था 18, क्योंकि ये भी सब पे आता है 18 इसके पास होना चाहिए था, ये कमी है, ध्यान दो कमी है तो जुट जाएगी, कमी है तो क्या जाएगी जुट जाएगी, इसी के अंदर जुड़ेगी। अब जोड़ लो इसको 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8 असल 1 4 और 1 5 और 1 6 6 और 1 असल 7, वही यहां से आ गया आपका आंसर कितना 78। तो ये था अभी आपका आंसर, बिल्कुल छोटी सी एक दो से गुणा करनी पड़ती है, बिल्कुल सेकंडों में टाइम आप सेकंडों टाइम से आप इसका सॉल्यूशन कर जाते हो। तो अगर इस एक बार रिपीट करते इसको, सबसे पहले जो ग्रुप है वो औसत सबके पास है, ग्रुप का औसत 18 तो सबके पास क्या होना चाहिए 18, इनमें से पहली 12 है तो इनके पास 14 लेकिन होना चाहिए कितना 18, तो एक के पास कितनी कमी आएगी 4 की, एक के पास 4 की कमी तो 12 के पास 12 चौके 48 कमी है तो देना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, प्लस माइनस लगा लो, इधर लास्ट वाली 12 इनके पास 17 होना चाहिए कितना 18, तो कितनी कमी आएगी एक में, एक में एक की कमी है तो 12 में 12 की कमी है तो फिर देना पड़ेगा प्लस करो, और 13वां नंबर था इसके पास भी दोस्त कितना चाहिए 18, क्यों होना चाहिए क्योंकि ये 13वां नंबर भी इस पूरे समूह में आता है, आगे समझे। तो 18 इसके पास होना चाहिए, ये दोनों प्लस करने तो प्लस कर दो, ये 10 और 18 का 8 असल 1 5 4 1 7 1, क्लियर समझे, ये आ गया कितना हमारे पास 78। तो बच्चों आया सबको समझ में, अब भी यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और यदि वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि और किसी को इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।